जहां जहां हमार आवाज जा रहल बा, हम मनोज तिवारी आज जलंधर लोकसभा में अपने भाई सुशील रिंकू के यहां से विजयी बनावे खातिर और नरेंद्र मोदी जी के देश के फिर से प्रधानमंत्री बनावे। आप लोग के बीच में है, मैं आज सीधे पटना से आया रिंकू जी। मैं पटना से जब चल रहा था तो हमसे एक पत्रकार मिले, वो पूछे कहां जा रहे हैं। मैं बोला मैं आज पंजाब जा रहा हूं। वो बोले अरे पंजाब जा रहे हो, वहां तो कांग्रेस ने कहा है कि हम यूपी बिहार वालों को घुसने नहीं देंगे। मैंने कहा आप अपने मीडिया चैनल में बता दो ये हिंदुस्तान है। मैं आज पंजाब चल रहा हूं अपने रिंकू के लिए, जिसकी ताकत हो रोक करके दिखा देकर। मेरे भाई बहन, ये पंजाब के लोग हिंदुस्तान के वो जाबाज हैं जो जब खड़े होते हैं तो भारत को बुरी नजर से देखने वालों की आंखें धस जाती हैं। और ये वो पंजाब है जब हमारा बिहार यूपी का मजदूर भी, कोई भाई भी, कोई बहन भी आता है तो यहां उसको गले लगा करके रखा जाता है। लेकिन पहले वो चन्नी की बात हमको सुनने को मिली थी और आज कांग्रेस के कोई सांसद है और पता नहीं कौन खैरा है, लेकिन अब उनकी खैर नहीं है। और अब राहुल गांधी जी की खैर नहीं है। राहुल गांधी ने अभी तक उसका खंडन किया क्या? कांग्रेस के लोगों ने उसका खंडन किया क्या? नहीं किया। तो उसका खंडन हम 1 जून को कमल का बटन दबाकर करेंगे। मेरे भाई का कमल का बटन दबाकर फिर एक बार मोदी सरकार